दोस्तों, एक बेटी का बाप होना आसान नहीं होता। एक तरफ उसकी बेटी के अरमान हैं, तो दूसरी तरफ उसकी सुरक्षा का डर। एक तरफ उसकी बेटी का भविष्य है, तो दूसरी तरफ समाज का दबाव। इन सब में एक पिता खुद को दुविधा में पाता है। इसी टॉपिक पर मेरी ये पोएम है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ। आइए सुनते हैं ये पोएम मेरे पापा की आवाज़ में। मैं एक बेटी का बाप हूँ, हर पल डर के साए में जीता हूँ, क्योंकि मुझे बेटी बहुत प्यारी है, जिसकी दुश्मन बन चुकी है दुनिया सारी है, जिसकी दुश्मन बन चुकी है दुनिया सारी। अरमान मेरे भी हैं कि अपनी बेटी के अरमान पूरे कर सकूं, मगर जब वो घर से जाती है तो रूह कांप जाती है, तो रूह कांप जाती है। अगर उसे थोड़ी देर हो जाए तो बेचैनी से उसकी राह देखता हूँ। कभी कभी उसे बिना गलती डांट भी दिया करता हूँ, नहीं चाहता हूँ कि वो पीछे रहे। मैं भी उसकी तरक्की चाहता हूँ। साहस कम नहीं है मुझ में, पर खुद को उसके मोह में बंधा पाता हूँ। मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, अफसरा को अफसर बनाना चाहता हूँ, मगर डर जाता हूँ जब कॉलेज के गेट पर आवारा लोगों के झुंड खड़े पाता हूँ। मैं उसकी शादी अच्छे घर में करना चाहता हूँ, मगर फिर से डर जाता हूँ जब हर रोज़ अखबारों में प्रताड़ित होती बेटियों की खबर पाता हूँ। नहीं चाहता हूँ उस पर पाबंदियाँ लगाना। सोचता हूँ वो अपनी ज़िंदगी खुल कर जिए, मगर जब भी वो बाहर होती है उसे घूरती खूंखार आँखों से घबराता हूँ। बहुत सी बातों के लिए अपनी लाडली को खुद से ही नाराज पाता हूँ, मगर माफ़ करना मेरी बच्ची, मैं तेरी सलामती चाहता हूँ।